कल कयामत का दिन होगा, इंसान अपना हाथ अपने मुंह में डालेगा और कुरान कहता है यौम यअज़्ज़ु ज़ालिमु अला यदैही यकूलु या लैतनी इत्तखज़्तु मअर रसूलि सबीलन या वैलता लैतनी लम अत्तखिज़ फुलानन खलीलन। मैं अताते खुदाबंदी का दरस देता हूँ, नबी कायनात की बात करने का दरस देता हूँ, आपकी बात पे चलने का दरस देता हूँ। वजह यही है कल कयामत का दिन होगा, अफसोस से इंसान अपना हाथ चबा जाएगा, अपनी उंगलियां खा जाएगा और ये कहता रहेगा हाय काश मैंने अपने नबी की बात को माना होता। लेकिन तब पछताए क्या होत, जब चिड़ियां चुग जाए खेत उस वक्त ये भी कलमा बोलेगा हाय अफसोस मैंने फुलां से दोस्तियां ना की होती, मैंने फेसबुक पे वक्त जाया ना किया होता, मेरे व्हाट्सएप पे नऊज बिल्ला हुरमत की तस्वीरें छाया ना हुई होती, मेरे यूट्यूब पे अल्लाह की नाफरमानी के तस्करे कभी ना होते। जब तक ये चीज तेरे इस व्हाट्सएप पे खड़ी है, जब तक फेसबुक पे खड़ी है, फेसबुक के पास वर्ड को तेरे अलावा कोई नहीं जानता, ये नऊज बिल्ला अल्लाह की नाफरमानियों से भरी हुई तेरी वेबसाइट, अगर तू आज आंखें बंद कर जाए कयामत तक तेरे लिए नऊज बिल्ला गुनाहों का जरिया बनती रहे। कयामत तक इसको कोई बंद नहीं करेगा, क्योंकि इसके पास वर्ड को या तू जानता है या तेरा रब जानता है। जब तू इन उंगलियों को इन पे कलेक्ट कलेक्ट करता है, सोचा कर ये कल कयामत के दिन पछतावे का बायस है। उस वक्त कहेगा हाय काश मैंने ये काम ना किया होता, लेकिन उस वक्त ये पछतावा काम आने वाला नहीं है। अल्लाह कयामत के दिन जब खड़ा करेंगे ना, वहां इंसान इस दुनिया की तरह अल्लाह ताला से ये कहेगा या अल्लाह ये गुनाह तो मैंने किया ही नहीं है, ये फरिश्तों ने खुद ही लिख लिया है। सुभान अल्लाह, वहां भी चक्कर चलाता है, बिलखसूस पाकिस्तानी तो करेंगे ना, उन्होंने दी अदालतों का निजाम ही है। अल्लाह फरमाएंगे ठहर जा मेरे बंदे, तू खड़ा किसकी अदालत में, ये थोड़ा चीफ जस्टिस की अदालत है, ठहर जा। अल यौम नख्तिमु अला अफवाहिहिम, तेरी जुबान पे मैं ताला लगा देता हूँ, अब तू खुद अपनी गवाही देख ले। अल यौम नख्तिमु अला अफवाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम, ये उंगलियों के पोरे बोल बोल के बताएंगे किस वक्त तूने क्या खोला था, ये उंगलियां ये हाथ ये बोल के बताएगा किसके चेहरे पे तमाचा मारा था, तेरा वजूद बोलेगा कहां पे गुनाह करता रहा, तेरे पैर बोलेंगे कहां चल के गुनाह करता रहा, तेरे वजूद का एक एक अंग बोल के गवाही देगा। तब भी अल्लाह कहेंगे आज तू एक आदल की अदालत में खड़ा है, एक हाकिम की अदालत में खड़ा है, मेरे तराजू बड़े तोले हुए हैं, आज ठहर जा क्या होने वाला है। इदाजुल जिलातिल अर्जु जिलजालहा वाखरजतिल अर्जु अस्कालहा वकाल الانسان ما لها يوم اذن تحدث اخبارها, जमीन में पहुंचाल आ जाएगा, जलजला आ जाएगा। आज जलजले से इमारतें जमीन बोस होती हैं, लेकिन वो जलजला इतना सख्त होगा जमीन अपने अंदर की हर चीज बाहर फेंक देगी, जमीन का वो टुकड़ा बोल के बताएगा जहां अल्लाह की नाफरमानी करता रहा। तब क्या करेगा, उस अफसोस का कोई फायदा नहीं है, उस पछतावे का कोई फायदा नहीं है, वहां हाथ मलने का कोई फायदा नहीं है। आज वक्त है, गनीमत जान ले।